वही व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ये नहीं था, मेरा कोई मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन आप ना थ्री फिंगर खेलते हो तो कोई मिस्टेक करते हो, मेरे को पता है 100% बंदे ना मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने भी की थी। हाँ गाइस, ये मिस्टेक मैंने भी की थी, जो गाइस आपको नहीं दोहरानी है, मैं आपके लिए फायदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मिस्टेक कर चुका हूँ, मेरा जो गेम प्ले, ये गेम प्ले बिल्कुल डेडली तरीके से डेड हो चुका था, ठीक है, आप समझ नहीं सकते वैसा मेरा गेम प्ले हो गया था, बिल्कुल मतलब ना लो रैंक, लो लेवल, ठीक है, बिल्कुल लो लेवल पे हो गया था, लेकिन ना मैंने मतलब अच्छी सी सेंसिटिविटी यूज़ कर ली और मतलब कस्टम एचयूडी यूज़ कर ली है, ठीक है, उसकी वजह से मेरा गेम प्ले वापस से सुधर गया है। तो आप बैक में देखिए मेरा गेम प्ले, मतलब मूवमेंट स्पीड आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, थ्री फिंगर में ये कि ये फ़ायदा है कि मूवमेंट स्पीड, हेडशॉट वगैरह सभी कुछ आसानी से पड़ जाते हैं आपके, ठीक है, मतलब आप जो दो उंगलियों से काम करते हो वो थ्री फिंगर में के मतलब यूज़ करते हो, आप सोचना एक बात कि दो उंगलियों से कुछ काम कर रहे हो और तीन उंगलियां काम आए उस टाइम, तो मतलब ज़्यादा बेटर थ्री फिंगर ही होता है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ नोटिस, मैंने ये नोटिस किया है कि थ्री फिंगर बेस्ट है टू फिंगर से, ठीक है। अच्छा तो गाइस, अब ये बात मैंने कब स्टार्ट किया आप, ठीक है, अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो 2GB रैम डिवाइस है, मेरा तो सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है, मैं थ्री फिंगर कैसे खेलूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसी बात, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब लॉकडाउन था, ठीक है, मतलब जहाँ मतलब घर से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम, ठीक है, उस टाइम अपने इंडिया में ये कुछ चीज़ें चल रही थी, आप देख सकते हो, ठीक है। वाह क्या सीन है, तो गाइस ये सब फेस आप इंडिया वाले हर एक बंदे ने करा होगा ये सब फेस, ठीक है, मतलब फ्री में डीजे लोग कैसे लेते, ऐसा कुछ चल रहा था आपने उस टाइम, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम ना अपने जो मेन बंदे होते हैं, जैसे पागल M10 हो गया, ये जो बंदे ना इन्होंने ये छोड़ा कि मतलब ये जितने में से कुछ होगा नहीं, ठीक है, लेकिन अपना ही कुछ गेम प्ले इंप्रूवमेंट करेंगे तो कुछ बाद में काम आएगा, तो इसी टाइप से इस बंदे का मतलब 4 सेवे, इस टाइप का इन बंदों का गेम प्ले देखो आप, ठीक है, आउट ऑफ सर्वर वाले गेम प्ले डालते रहते थे, मतलब हर एक दिन वीडियो डालते थे, ठीक है, जिससे ना मतलब इंट्रोड्यूस होकर मतलब वो देखो नोटिस किया थोड़ा बहुत, और कैसे खेलते ये सब, मतलब हैंड गेम वगैरह सब करते थे, ठीक है, ऐसे गेम वैसे ऐसे मैंने अपना गेम प्ले इंप्रूवमेंट किया, लेकिन आप डीजे आलोक कैसे जीतते, 2000 डायमंड का गिव अवे हो रहा, वहाँ चलो यहाँ चलो, ऐसे ऐसे करके ना आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, जिससे ना आपका गेम प्ले इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी अपन ने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया, मतलब 3-4 साल ही हुए फ्री फायर ना, मतलब फ्री फायर तो बहुत आगे जाने वाला है, तो अभी मतलब अपन जहाँ तक ना मेरे को लगता है मतलब अपन जिंदा है जहाँ तक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है मैं इतना आगे जा रहा हूँ, लेकिन हाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिखा दूंगा कि थ्री फिंगर में क्या क्या मिस्टेक करते हो, वैसे आप, ठीक है, मतलब मैंने थ्री फिंगर उसी टाइम स्टार्ट किया था, मेरे पास भी उस टाइम 2GB रैम की डिवाइस था, ठीक है, Redmi 7A का कुछ डिवाइस था मेरे पास, ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने 8GB रैम खरीद लिया है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन आपके पास 2GB रैम डिवाइस होना तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ गाइस, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा भी कोई गेम प्ले पसंद करे, मतलब बंदे मेरा भी गेम प्ले देखे और मेरे भी फैन हो, मेरे भी अच्छे अच्छे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आए, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो तो आप टेंशन मत लो, ठीक है, आपके भी सपने अब साकार होने वाले हैं, ठीक है पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस आपका मतलब मैं जो मतलब बताऊंगा मिस्टेक्स वो नहीं करोगे, आपका आपका गेम प्ले इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि भाई आप बोलोगे कि भाई मतलब ना आप वीडियो को लाइक कर ही दोगे, ठीक है। पर हाँ गाइस, जो आज कमेंट करेगा फर्स्ट, ठीक है, उसका ना मैं पिन करूंगा कमेंट, ठीक है, उसका ना मतलब चैनल होगा तो वो थोड़े बहुत बंदे देखेंगे उसका, ठीक है, तो मतलब कभी ना कभी तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, तो आप फर्स्ट कमेंट करोगे जो भी करेगा उसका कमेंट ना पिन कर दूंगा मैं, ठीक है, मतलब आपका कमेंट फर्स्ट टाइम फर्स्ट पे रहेगा, ठीक है, तो आपको कमेंट कर देना अभी अच्छा सा, ठीक है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस फर्स्ट में बात करेंगे अपन वीपन स्विच बटन, ठीक है, ये कहाँ रखना है और क्यों रखना है, ये क्या काम करता है, ऐसा कुछ बात करेंगे, ठीक है, मतलब फुल डिटेल इसके बारे में बता दूंगा, ये किस साइड में रखना है आपको, कितनी साइज रखनी है वो परफेक्ट बता दूंगा, तो आप वीडियो देखते ही रहना, ठीक है। वैसे अब बात कर लेते हैं स्विच ओपन कहाँ से करना है, ठीक है, मतलब कहाँ से ऑन होता है सेंसिटिव, मतलब देखो कंट्रोल्स के अंदर आते हैं, मैं पहले साउंड बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सुनने में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, ये साउंड बंद कर लिया, कंट्रोल्स के अंदर आते हैं, ये स्विच ओपन बटन मेरा ऑन है पहले से, आप देख सकते हो थर्ड नंबर पर आता है ये, तो आप ऑन में किए देखो पहले से, ठीक है। हाँ गाइस ये काम आता है, देखो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, आप जो वन टैप मारते हो, ठीक है, वन टैप वाले जो प्लेयर होते हैं और वो मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, तो ये स्विच ओपन बटन इस साइड रखो, जिससे ना अपनी फर्स्ट वाली जो उंगली होती है लेफ्ट साइड में, ये नहीं और ये वाली, ठीक है, आप गलत समझ रहे हो, तो ये वाली है, ठीक है, बड़ा हरामी हो ये वाली, तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब वन टैप मार के ये ड्रैग करके सीधा, मतलब उसी टाइम में वहाँ से निकलना है, तो बस ग्लू वॉल नहीं लगाना, उस मूवमेंट ने उसको नहीं बोलते, मूवमेंट ग्लू वॉल लगा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आप मतलब डायरेक्ट यहाँ से इसे स्विच करके निकल सकते हो वहाँ से, जिससे ना आपका मूवमेंट ओपी लेवल का दिखेगा, ठीक है।
अपना गाइस जहाँ आपका हैंड शूट करे वहीं आपको वो स्विच बटन रखना है, ठीक है। आपका मतलब देख लेना आप कहाँ शूट कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड ही रखना उसको, ठीक है। राइट साइड कभी भी नहीं रखना है, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड ही रखना है, जिससे ना मतलब लेफ्ट साइड में जल्दी दबा सकते हो आप वैसा, ठीक है। तो गाइस अब सिंपली से बात कर लेंगे अपने जंप बटन, जैसा कैसा रखना है, मतलब किस टाइप से रखना है, जिससे ना क्या होगा ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो जंप बटन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे ना मतलब देखो आप लेफ्ट साइड रखोगे तो आपका स्लो ग्लोअर लगेगा, लेकिन इतना मतलब इंस्पेक्टिंग में देखने वाले बंदे को ना अलग ही लेवल का दिखेगा भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का दिखेगा। तो गाइस ये गेम प्ले देखो, ये गेम प्ले मेरा ही है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसका गेम प्ले उठा के लाया है भाई, मेरा एक साल पहले का गेम प्ले, ठीक है। एक साल नहीं बोल सकते आप, 6-7 महीने पहले का देखो आप ना। हैंडवर्क देखो, इसमें हैंडवर्क क्या हो रहा है, देखो मतलब किस टाइप से ग्लूअल लगा रहा है वो सब देखना आप, नोटिस करना। और मैंने कहा इसी मतलब आपको बताऊंगा किस साइड का मतलब जंप बटन से ही मैं खेलता था, ठीक है, मतलब किस साइड मतलब जंप बटन रखा था मैंने और किस टाइप से खेलता था मैं सब बता दूंगा, ठीक है। इंस्पेक्टिंग में देखने वाले बंदे को भाई क्या लग रहा था, देखो अब ना ऐसा लग रहा था, मतलब देखो ना यार क्या मतलब क्या ही तो मार रहा है, मतलब इस टाइप से कुछ लग रहा था, ठीक है। मतलब देखो हैंडवर्क ना इतना तगड़े तरीके से हो रहा था, मतलब ना ये जो मतलब पीसी में खेलते हैं ऐसे बंदे, इनका भी हैंडवर्क नहीं होता क्योंकि वो फास्ट ग्लूअल लगाते हैं। और ये वाला ना मैं बताऊंगा, ये स्लो ग्लूअल लगता है लेकिन इंस्पेक्टिंग में बहुत तगड़ा दिखेगा, ठीक है। तो गाइस ये कैसे करना है आपका, इसका प्रीव्यू कर लेते अपन, ठीक है। तो गाइस देखो, तो गाइस ये छुट्टी से मैं खेलता था पहले, ठीक है, जैसा ना हैंड मूवमेंट हो रहा था ना वैसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो इस टाइप से कुछ रखना है, देखो आप मैंने हर एक की फायर साइज बता दी है, देखो मतलब साइज जो होती है वो बता दी है, ठीक है। और इस जॉयस्टिक को आप कहीं भी मूव कर सकते हो, क्योंकि ये बात बार मतलब यानी ये ना अपन जिस साइड भी अपन टैप करेंगे, लेफ्ट साइड में जिस जगह भी अपन टैप करेंगे वहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा देना ही है सबसे अच्छा होगा, इस मैप के पीछे ले जा सकते हो आप, ठीक है ना। किसी नेट वाले को आप कहीं भी आपके हिसाब से शूट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की मेरी सेंसिटिविटी थी पहले, मतलब कस्टमर चुड़ी, ठीक है। तो गाइस देखो जैसे मैं ड्रैग करता था और वहाँ से ना वो ग्लूअल पकड़ के, ठीक है, ड्रैग करके जैसे वहाँ से ग्लूअल पकड़ के नीचे लाके ना, मतलब इसी ग्लूअल उसी मतलब राइट साइड बटन से मैं ग्लूअल लगाता था, ठीक है, जिससे ना मेरा हैंड मूवमेंट होता था, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है, वैसे, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरा इंस्पेक्टिंग में गेम प्ले अच्छा दिखे तो आप ये वाला HUD यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब जंप साइड लेफ्ट साइड में रख सकते हो जंप वाला बटन, ठीक है। और हाँ गाइस अब बात कर लेते अपने सीट वाला बटन, बैठने वाला बटन, ठीक है। जी हाँ गाइस आपने सही सुना, बैठने वाला बटन, इसका क्या काम है, मतलब ये ना इस काम में आता है आप फास्ट ग्लूअल लगा सको, ठीक है, मतलब क्राउच ग्लूअल आप फास्ट तरीके से लगा सको। ये वाला ना मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरा फास्ट ग्लूअल लगता है आप देख सकते हो, मतलब गेम प्ले में आपने कभी देखा होगा नोटिस किया होगा तो मेरे फास्ट ग्लूअल लगते हैं, ठीक है, थीके? आप देख सकते हो ये HUD मतलब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फास्ट ग्लूअल की है, देखो आप बैक में देख सकते हो मेरा ग्लूअल कितनी फास्ट तरीके से लगेगा आप, ठीक है। गाइस आपको एक और चीज़ करनी है जिसको मैंने आपको नहीं बताया, वो बता रहा हूँ मैं अब आपको। तो गाइस आप एक और मिस्टेक क्या कर देते हो अपना, देखो ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना इनको 100 कर देते हो, मतलब ना मतलब ये ना आप देखो इस टाइप से आप कर देते हो, जैसे मैं बैक में करके बता रहा हूँ इस टाइप से आप कर देते हो, जिससे ना आपका गेम प्ले पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, इन बटन को देखने में आपका ध्यान निकल जाएगा, मतलब ना ये जो देखो इस टाइप से आपको नहीं करना है, यही सबसे मिस्टेक करते हो सबसे बड़ी, जिससे ना आपका ध्यान इसी टाइप पे जाता है इसी साइड, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी को 30-25 के बीच में कर सकते हो, ठीक है, यही सबसे बेस्ट है, मैं यही यूज़ करता हूँ, तो ट्रांसपेरेंसी कम कर देना, ठीक है। और जो राइट फायर बटन जो होता है ना उसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा के रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये बताना कमेंट बॉक्स में आप में से ये बंदे मिस्टेक करते थे ना, आप झूठ मत बोलना, बता देना, ठीक है। और गाइस अभी मैंने सेंसिटिविटी मतलब कस्टम HUD भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखो मेरा ग्लूअल भी कितना फास्ट तरीके से लग रहे हैं और क्राउच ग्लूअल भी लग रहे हैं, देख सकते हो आप बैक में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कि मतलब आपको मतलब जो बता रहा हूँ वहीं आप रखो, वहीं वही जगह आप रखो, ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ना थोड़ा आगे पीछे चलेगा, ठीक है, आपका जहाँ शूट करें मतलब जहाँ हाथ लगे सही साइड लगे, मतलब जहाँ आपका हाथ सही साइड चल, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा, मतलब जहाँ आपका हाथ सही टाइम पे चला जाए, ठीक है, वहीं आपको रखना है, ठीक है, ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो गाइस इसका भी काम खत्म हो गया बैठने वाले का, ठीक है। तो अब लास्ट चीज़ निकल के आती है मेन लेफ्ट फायर बटन, ठीक है, मतलब इसको कैसे क्या करना है उस टाइप से मैं बता दूंगा। मतलब हर टाइम आप 3 फिंगर खेलते हो हमेशा 3 फिंगर में तो आपको हमेशा ऑन रखना ही रखना है। और गाइस जैसे जंप बटन है और अब सीट बटन जैसा भी आपने रख रखा है, ठीक है, उसके जस्ट पास आपको बैठने वाला ये मतलब मेन फायर साइज बटन रखना है, लेफ्ट साइड बटन, ठीक है, मतलब जिससे ना आपका फास्ट ग्लूअल लग जाएगा। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा इसके पास ही रखना है आपको हमेशा, ठीक है, मतलब क्राउच ग्लूअल लगाना चाहते हो तो आपको उसको इसको पास ही रखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप इसके पास ही रखना जिससे ना आपका क्राउच ग्लूअल लग जाएगा। तो गाइस आपने वीडियो तो देख लिया, वीडियो का तो आनंद ले लिया आपने, ठीक है, अब सब्सक्राइब और लाइक का भी आनंद ले ही लो, ठीक है, दबाने में मज़ा आ जाएगा भाई, एक बार दबा के देखो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको इस चैनल के अंदर, आप दबा के देख ही लेना, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और आगे इस वीडियो को लाइक करना तो भूलना भी मत, ठीक है, क्योंकि ना ऐसी अमेजिंग टिप्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो वैसे आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आगे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इंस्टाग्राम पर अभी जाके मुझे फॉलो कर देना,
जिससे ना मतलब मैं आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जिससे ना मैं सभी के रिप्लाई देने में टाइम नहीं लगाऊंगा। तो गाइस इंस्टाग्राम पे अभी जाके मेरे को फॉलो कर देना। तो गाइस मिलते हैं ऐसी सी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जब तक के लिए टिल टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ गाइस एक कमेंट भी कर देना, कौन सा वीडियो आपको चाहिए उसके ऊपर कमेंट कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।